तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A30s या सैमसंग के कोई से भी वन यू आई 2.0 में इंटरनेट का जो आपको स्पीड मीटर मिलता है नोटिफिकेशन पे कैसे लेके आए और कैसे आप चाहे उसको ला पाएंगे और कैसे देख पाएंगे आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड कैसे आ रही है, तो वो नोटिफिकेशन में कैसे लाएं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट स्पीड का आपको नोटिफिकेशन में कैसे मिले, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देख के सर, लाइक मैं अपने यूट्यूब पे जा रहा हूँ या मैं अपना कुछ भी फेसबुक ही खोलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिखता है। तो ये आप देखिएगा, मैंने ये फेसबुक खोला और ऊपर की तरफ आप देखिए नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर की तरफ देखेंगे आपको 156 KBPS 327 KBPS आपको दिख रहा है क्या दोस्तों? तो ये आपको दिख रहा होगा। आप जैसे ही कोई सी दूसरी ऐप भी खोलेंगे तो ये कहीं की भी आप खोलेंगे तो आपको देखिएगा स्पीड मीटर चेंज होता जाएगा। लाइक देखिए अभी 258 357 KB, तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा चेंज हो रहा है, 140 आपको दिख रहा है। तो ये कैसे लें, और आप ये नोटिफिकेशन नीचे करेंगे तो आपको ये यहाँ पर भी मिल जाएगा आपने टुडे कितना बैलेंस यूज़ करा है और कितनी अभी करेंटली स्पीड मिल रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऊपर यूट्यूब चला रहा हूँ तो ऊपर आपको दिख रहा होगा 125 KBPS 144। ये जिस हिसाब से आप ब्राउजिंग करेंगे उस हिसाब से अगर वीडियो प्ले करेंगे तो लाइक मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी कोई वीडियो प्ले करके बताता हूँ। अगर आप वीडियो कोई प्ले करेंगे तो उसकी स्पीड आप देखेंगे, मैं अपनी स्पीड आवाज़ कम कर लेता हूँ। अभी देखिए लाइक मेरी वीडियो प्ले हो गई है और आप ऊपर देखेंगे आपको KBPS में भी चेंज होना चालू हो गया है। तो रनिंग में 200 KBPS 200 आसपास के KBPS पे ये रनिंग होना चालू हो गया, जो कि मेरा जियो का नेट है जो वर्किंग करना चालू हो चुका है। तो उसको कैसे करें, इसको कैसे एक्टिवेट करें? एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है अपने मोबाइल के। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है, ऊपर की तरफ सर्च मारना है आपको प्ले स्टोर पे स्पीड मीटर लाइट, जो कि आपको दिख रहा होगा मैंने टाइप करा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों स्पीड मीटर लाइट। आप जैसे ही इसको सर्च मारेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगी ऐप इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट, जो कि डायनामिक की तरफ से कंपनी की तरफ से ऐप है एंड 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है एंड 4.4 की इसकी रेटिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली ओपन करना है, कुछ इनेबल करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ ओपन करेंगे और ये वर्किंग करना चालू हो जाएगी। ये आपको नोटिफिकेशन में ऊपर आना चालू हो जाएगा, डिस्प्ले नोटिफिकेशन टॉप पे भी आएगा और अगर आप उसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पर भी दिखना चालू हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।